जी अब आ गया क्रिटिकल एवेलुएशन पे हम इसकी नंबर वन के स्ट्रक्चर फंक्शनल पैराडाइम्स के नंबर वन है क्रिटिकल एवेलुएशन ठीक है अब हमने देखना है कि जो फंक्शनल पैरा है उसका क्रिटिकली एवेलुएट करना है कि इसका बेसिकली क्या पर्पज था तो चीफ क्रैक्टिस्टिक्स जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शन पैराटि की वो है इज इट्स विजन ऑफ सोसाइटी एज ऑर्डरली स्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंबल ठीक है गोल इज टू फिगर आउट वट मेक्स द सोसाइटी ठीक ठीक है इसका गोल क्या है कि क्या चीज़ सोसाइटी को वो सही बनाती है ठीक करती है और उसमें हमें क्या काम निकलवा होने चाहिए हमारे सोसाइटी में क्या काम जो है वो हो सकते हैं ठीक है उसके बाद है द सोशल कन्फ्लिक्ट पैराड्रम्स अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है वो कन्फ्लिक्स होते हैं लोगों के आपस में जो है तल्लत जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी इज़ अ प्लेस जहाँ पे इनकोलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है लोग आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ किसी ना किसी, ना किसी बात से एतराज़ उनको होता है तो वो आपस में लड़ाई वगैरह उनकी हो जाती है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं और उन लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आ जाते हैं ठीक है तो इस चीज़ के लिए हम कहेंगे सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडिम्स है इसके बाद इसका भी क्रिटिकल इवेलेशन इसकी आपने करनी है द सिंबॉलिक इंट्रेक्शन पैराडिम्स के लोगों के आपस में किस तरह के इंट्रैक्शन हैं किस किस बेस पे वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं लाइक like, सिम्बोलिक से यहाँ पे हम एक रख सकते हैं आप सिम्बल को अपने माइंड में रखें कि सिम्बल्स जो है ना मेक सोशल लाइफ पॉसिबल इस तरह से कि हम देखें अगर हमें इन्हें कोई भी इस तरह की बात करनी होती है से, तो हम उसके लिए कोई ना कोई सिंबल ऐड करते हैं कुछ ना कुछ हमने जैसे किसी को हाई बोलना है तो हम अपना वेव करते हैं हम लोग वेव करते हैं या फिर हम किसी से भी अगर कोई बात करनी होती है तो हम उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं ठीक है तो सिंबल्स जो है वो हमारी लाइफ में मीनिंग्स कई चीज़ों के लिए ऐड करते हैं ठीक है रियलिटी को अटैच कर देते हैं लाइक like हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे गेस्टर्स जो है वो हमारी जो रियलिटी uh, को वो बड़े हद तक जो है ना इम्प्रूव करते हैं अगर हम कोई बात करते हैं कुछ लोग आंखों से या इस तरह से इस तरह के गेस्टर्स को यूज़ करते हैं या हैंड्स को यूज़ करते हैं तो वो बातों में वो जो है इस चीज़ में बड़ा इंप्रूवमेंट आती है उससे ठीक है बात करने के दौरान सोशल बिहेवियर में इसलिए हम कह सकते हैं सिंबल्स मेक सोशल लाइफ पॉसिबल ठीक है द नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवेल्यूएशन ठीक है इसके बाद है सोश हमारे पास लेसन नंबर फोर पे हम आ जाते हैं जी सोशियोलॉजी एज साइंस ठीक है सोशियोलॉजी को हम एक साइंस के तौर पे भी लेते हैं क्योंकि एक लाइफ गुजारना एक ज़िंदगी गुजारना इस इन प्लेनेट अर्थ पे वो एक कह लें कि उसके एक साइंस है एक एम्पेरिकली एक एविडेंस है जो कि हमारी लाइफ को गुजारने का एक तरीका है एक रूल्स हैं कुछ इसमें जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है विच वी हैव टू फॉलो टू सर्वाइव इन आर लाइफ बेसिक लाइफ ओके एंड इसके अलावा हमारे जो साइंस जो है वो नॉलेज है ठीक है बट एवरी काइंड ऑफ नॉलेज is not science ठीक हो गया इसके बाद हम देखते हैं कि मेथड फॉर द डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज़ इन दिस यूनिवर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड री ऑब्जर्वेशन अच्छा ये सारी चीज़ें जो है हम सोशोलॉजी में देखेंगे कि सोशोलॉजी को हम साइंस से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं uh, uh, जैसे देखें दैट इज़ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन वेरीफाई विद आवर सेंसेस ठीक है एम्पेरिकल एविडेंसेज या वो इंफॉर्मेशन जो कि हम अपने सेंसेस से जिनके जिनको हम वेरीफाई uh, कर सकते हैं वो हम सोशोलॉजी में उसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बिहेवियरिज्म को हम देखते हैं कि हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स पर्संस जो है वो किस तरह का है और वो चीज हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं ग्लोबल गोल्स ऑफ साइंस हैं के टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन्स टू मेक जनरलाइजेशन डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज प्रिंसिपल्स इसके अलावा है लुक फॉर लुक फॉर पैटर्न्स इन दी फीनोमिनन अंडर ऑब्जर्वेशंस और रिकर्निंग रिक्योरिंग क्राटेस्टिक्स ठीक है।

डिस्कस करेंगे जिसमें हमें बता रहे हैं कि गोल्स ऑफ साइंस क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस कैसे ट्रीट करना है अब करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो साइंटिफिक मेथड के उसमें हम देखते हैं कि इम्पेरिकल वेरीफेबल कम्यूलेटिव एंड सेल्फ करेक्टिंग ठीक है इसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक है आफ्टर दैट एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रेल न्यूट्रेलिटी है स्टेटिस्टिकल जनरलाइजेशन है रैशनलिज्म है ये सारे के सारे जो हैं ये हैं करक्ट्रिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड्स ठीक है हम सबको पता है कि साइंटिफिक मेथड्स में जो है ना कुछ ना कुछ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए और उन्हीं की बेसिस पे ये सारी की सारी चीज़ें मैंशन की गई हैं के वेरीफाई हो सेल्फ करेक्टिंग हो डिटर्मिनिस्टिक हो इम्पेरिकल चीज़ें हों ठीक है जो हमारे पास फिगर्स हैं फैक्ट्स हैं वो एथिकली एंड आइडियोलॉजिकली जो हैं वो ठीक हो स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन हो उसमें रैशनलिज्म होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस टॉपिक में इस डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अब सोशियोलॉजिकल की इन्वेस्टिगेशन जो है ना सोशियोलॉजिकल uh, इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में लेसन नंबर फाइव में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस जो है वो हम यूज करेंगे uh, इसमें इन्वेस्टिगेशन में सोशियोलॉजिकल Theken. broad area of interest identified a broad area of interest kya hai ke? Uh, broad problems area refers to the entire situation where one sees a possible need for research and problem solving the specific issues that need to be researched within this situation may not be identified at this stage for example the broad area of interest may be the entire field of education or within education could बी द एग्ज़ामिनेशनरी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ठीक है अब इसमें क्या है कि हमने देखना है कि किस एरिया को हमने वहाँ पे सोशियोलॉजिकली उसको इन्वेस्टिगेट करना है कहाँ पे हमें जो है ना किस एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है या उस एरिया के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए या उस एरिया में इतना पोटेंशल मौजूद है जिसमें हमने काम करना है नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन कंसल्टे ठीक है जी अब ये सेकंड स्टेप एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेशन जो है इसमें हम देखते हैं कि दिस स्टेप इन्वॉल्व प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन द इशू दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व अब जो हमने इशू अपनी लाइफ में देखा है कि जिसको हमें इन्वेस्टिगेश करना है इन्वेस्टिगेशन करनी है जिसमें सोशलॉजिकली उसमें हमने देखना है कि जो उसका प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है या उसका जो प्र नॉलेज है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करना है उसके इशूज़ को ऑब्जर्व करना है और जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट लेवल के वो इस चीज़ में काफ़ी वर्कआउट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो उन प्रोजेक्ट्स को हमने ओवरव्यू करना है उनमें हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिल जाती हैं जो कि सोशोलॉजिकली हमारे सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल हो जाती हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज इट इज ओफन रेफर टू इज क्लियर एंड जो है ना ये इसके लिए है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन हम अपने एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन कुड द रीजंस और सच अमेज फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स एट द ग्रेजुएट लेवल ठीक है जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं उनको हम देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि सोशलॉजिकली uh, वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं उनके सामने उनको फेस करनी पड़ी हैं एट ग्रेजुएट लेवल पर भी स्टूडेंट्स को और इंटायरली जो है कह लें कि पर्सन टू पर्सन ये क्यों आ रही हैं ठीक है उन प्रॉब्लम्स को हमने इन्वेस्टिगेट करना है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है कि अब आपके पास एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाता है जिसको आपने देखना है कि ऑल इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर जो है सो दैट द फैक्टर्स रिस्पॉसिबल फॉर द प्रॉब्लम्स कैन बी कंसेपच्चुअलाइज्ड एंड टेस्टेड कि जो फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो के कंसेप्चुअल जो हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको टेस्ट किया जाए उन पर वर्कआउट किया जाए क्रिटिकली जो है उनको एग्जामिन किया जाए अब उसके बाद है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस बेसिकली जो है हमने देखा होगा फार्मोशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट है और अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप मतलब कि जितने भी हाइपोथेसिस हमारी लाइफ में होते हैं वो एक नेक्स्ट रिसर्च को जनरे जनरेट करते हैं जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है रिसर्च डिज़ाइन अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन एंड डाटा कलेक्शन एज यू नो कि डाटा कलेक्शन क्या होती है ओके okay, स्टूडेंट्स अभी तक के लिए हमारी बात कंप्लीट होगी है इनशाला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी काफ़ी हद तक मैंने आपको अच्छी तरह गाइड करने की कोशिश की है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स एंड फॉर योर फर्दर एग्जाम्स और, और इन अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी विच इज़ सोशल इंट्रैक्शन और आफ्टर दैट हम इससे ऑनवर्ड भी डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़